प्राइम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने महिला शक्ति को लेकर भी बात की, साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान महिला नेताओं के योगदान की भी सराहना की और लोगों से मानसिकता में बदलाव की अपील की। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका को सलाम करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय गर्व से भर जाता है जब वे देश की महिलाओं की ताकत को याद करते हैं, चाहे वे रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई हो, चेतनम्मा हो, बेगम हजरत महल। महिलाओं का सम्मान विकास के लिए जरूरी, पीएम मोदी ने कहा ऐसा। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उन्होंने नारी शक्ति को समर्थन देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने की अपील की है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि किसी न किसी से हमारे अंदर यह सोच आ गई है कि हम अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कुछ शब्दों से महिलाओं का अनादर करते हैं। उन्होंने लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को अपमानित करने वाली हर चीज से छुटकारा पाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इस अमृत काल में देश की तरक्की में कई गुना योगदान नारी शक्ति का देख रहा हूँ, माताओं, बहनों और बेटियों का देख रहा हूँ। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं बेटियों पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना लौटा कर देंगी। वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। कुछ इस तरह की बातें करते आए देश के प्रधानमंत्री मोदी और साथ में ही अपनी आंखों में आंसू झलकाते भी नजर आए। देखिए यहाँ पर देखने को मिला, जिस दौरान वो अपनी स्पीच दे रहे थे उस दौरान वो महिलाओं के बारे में बातें करते हुए उनकी आंखों में आंसू झलकते हुए नजर आए, जिस वजह से वो यहाँ पर आज उनकी ये बातें काफी ज्यादा उत्तेजना दिखाती नजर आई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।